रही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में आप सबका स्वागत है। एक और क्लोज एनकाउंटर और इस बार ये गया साउथ अफ्रीका के नाम। टॉस जीतकर कप्तान बिस्मा मारूफ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लिजल ली जिनकी टीम में वापसी हुई इस मैच के लिए वे जल्द ही पवेलियन की ओर लौट गयी। उसके बाद लॉरा वुल्फार्ट ने टीम की सारी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 75 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और कप्तान सुनील ली जिन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा उन्होंने लॉरा वुल्फार्ट का अच्छा साथ निभाया। बाद में विकेट्स गिरते रहे पर क्लोई ट्रायन और त्रिशा चेट्टी दोनों ने ही 31 रनों की पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका के टोटल को 223 तक पहुंचा दिया। जिस तरह का साउथ अफ्रीका का बॉलिंग यूनिट है उससे ये जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तान के लिए ये चेज आसान नहीं होने वाला था। शबनम इस्माइल ने सिद्रा अमीन को जल्द ही पवेलियन की ओर लौटा दिया। नहीदा खान ने 40 रनों की एक अच्छी पारी खेली पर इस्माइल ने फिर एक बार बिस्मा मारूफ का एक बड़ा विकेट टीम को दिलाया। निदादार ने अपना अर्धशतक जड़ा। वही उमायमा सोहेल ने भी 65 रनों की एक अच्छी पारी खेली पर अंत में पाकिस्तान फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया और साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग के चलते ये मैच 6 रनों से जीत लिया। ये थी जानकारी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान मैच के बारे में। विमेंस क्रिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए विमेंस क्रिकेट जोन के साथ।